देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचेंगे। यहां गुमटी में सबसे पहले वो गुरुद्वारे जाएंगे। दाई ओर मेरे ये गुरुद्वारा मौजूद है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगे, और इसके बाद यहां गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करने के बाद, यहां के संतों से मिलने के बाद में एक भव्य रोड शो भी निकालेंगे। सामने मेरे जो रास्ता जा रहा है ये गुमटी बाजार का रास्ता है, और ये पूरा लगभग 1300 मीटर का जो रास्ता है इस पर पूरा प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरेगा। उत्साह हम यहाँ सुबह से ही देख रहे हैं। भीषण धूप के बीच लोग यहाँ दोनों ही तरफ सड़क के मौजूद हैं। बड़ी संख्या में, मैं यूं कहूँ तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। मोदी के प्रशंसक मौजूद हैं। सिर्फ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ लोग जमे हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हैं। अभिषेक, क्या माहौल देख पा रहे हैं यहाँ? बिल्कुल, देखिए हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ से लेके गुरुद्वारा ही है गुमटी नंबर 5, यहाँ से लेके सब नगर तक ये रोड शो जाएगा, और हम लोगों ने उस शोर से शोर तक हमको आने में जितना वक्त लगा है, क्योंकि ये दोनों ओर जो है यहाँ पर खचाखच पब्लिक यहाँ पर है। और कानपुर जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और पूरे सेंट्रल यूपी का सवाल है, ये पहला रोड शो है सेंट्रल यूपी में पीएम का। इसके बाद उनको अयोध्या जाना है, तो यहाँ से एक तरह से सेंट्रल यूपी का जो पूरा माहौल है वो यहाँ पर चार्ज करने की कोशिश, और वही तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। तस्वीर मुझे और भी दिखाई दे रही है। ये जो रास्ता है ये जीटी रोड है, और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। ये रास्ता जो चकेरी हवाई अड्डा जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे, वहां से बाई रोड उनको लेकर के आया जाएगा, और इस रास्ते पर सबसे पहले गुरुद्वारे, उसके बाद रोड शो शुरू करेंगे। अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो इलाका है ये गुमटी नंबर 5 का इलाका है, और ये पूरी एक बड़ी मार्केट है। लगभग 1 किलोमीटर तक का ये मार्केट है, दोनों ओर सड़क के मार्केट है, और ये सिख बहुल इलाका है। यहाँ पर सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है, और ना केवल गुमटी नंबर 5 बल्कि इसके आसपास का जो इलाका है, रंजीत नगर है, लाजपत नगर है, इन सभी इलाकों में सिख कम्युनिटी बहुत रहती है। तो क्या लगता है ये प्रभाव डालेगी? ये भी संयोग है कि इस कानपुर में आप भी काम कर चुके हैं और मैं भी काम कर चुका हूँ, इन्हीं इलाकों में हम लोग रिपोर्टिंग किया करते थे। ये प्रभाव बिल्कुल डालेगा, और ये प्रभाव सिर्फ कानपुर तक का नहीं है, ये एक बड़ा जिसे कहते हैं पैन इंडिया मैसेज देने की कोशिश है। पीएम का गुरुद्वारा जाना, और जो सिख यहाँ आप जो बता रहे हैं बड़ी तादाद में रहते हैं, तो ये प्रभाव उत्साह की तस्वीरें भी मैं कहूंगा दिखाते रहे, उत्साह की तस्वीरें भी दिखाते रहे। जी बताइए। बिल्कुल, और देखिए लगातार जो आप दिखा रहे हैं, लगातार ये भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। और एक बात और देखिए, पूरा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है पूरा चुनाव, यहाँ के जो प्रत्याशी उनकी जो तस्वीर है वो कहीं कहीं इनको ढूंढने पर मिल रही है, सिर्फ क्योंकि उनको भी पता है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर ही उठ रहा है। तो ये एकदम क्लियर है, एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। कानपुर से लेकर के तमाम जगहों पर यही तस्वीर दिखाई दे रही है निश्चित रूप से। और अभी हम लोग इसी रास्ते से इधर जो संत नगर चौराहे है उससे पूरा यहाँ चलते आए हैं, और हम दोनों ने ही देखा कि ये पूरा जो रास्ता है ये पूरा भगवामय है। सड़क के जो ये सड़क है, एक तरफ ट्रैफिक रोक दिया गया है पूरी तरह से, और दूसरी तरफ जो है वो पब्लिक की एंट्री है, किसी भी व्हीकल को जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये जो रास्ता खाली सामने रखा गया है, इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शो निकलेगा, रोड शो निकलेगा, और उसके बाद में जो ये पूरा रास्ता है, जगह जगह फूलों की पूरी ठेलियां लगाई गई हैं कि जो प्रधानमंत्री यहां से गुजरेंगे तो उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी, उनका स्वागत और अभिवादन किया जाएगा। तो तैयारियां पूरी हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमटी पहुंचेंगे और अपना रोड शो शुरू करेंगे। अमित अवस्थी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अवस्थी जी, क्या जोश देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के आने का? देखिए पूरा कानपुर मोदी में है पूरा, और आपने देखा होगा कानपुर में आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं सबके मन में मोदी है, मोदी जी के मन में कानपुर है। भारी उत्साह है पब्लिक, देख लीजिए आप, अभी 1 से 1.5 घंटा लगभग समय है प्रधानमंत्री का, 1.5 घंटा, उसके बाद पूरा वातावरण मोदी में हो गया है। भारी उत्साह है पब्लिक के पब्लिक में जो आप देख रहे होंगे। इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? मोदी का रोड शो तो एक लिमिटेड जगह पर हो रहा, 1300 मीटर में केवल, लेकिन कानपुर देहात, कानपुर नगर या आसपास की जो सीटें हैं, क्या उन पर भी इस रोड शो का असर जाएगा? बिल्कुल 100%। देखिए कानपुर एक बड़ा महानगर है, यहाँ पास पड़ोस के लोग, जितने भी पास पड़ोस के जिले हैं वहाँ के लोग यहाँ रहते हैं, तो जब रोड शो हो रहा है तो कानपुर की जितनी लोकसभा सीटें हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र आता है भाजपा की दृष्टि से, इसमें 10 लोकसभा सीटें आती हैं, तो 10ों लोकसभा पर तो पड़ेगा ही, साथ में इसका पूरा देश पे रोड शो का असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत भारी ऐतिहासिक रोड शो होने जा रहा है, जिसका असर 100% जो आप बता रहे हैं यहाँ नहीं, पास पड़ोस के जिलों में और पूरे प्रदेश में पड़ने जा रहा है। कई नाम चल रहे थे जब लोकसभा का टिकट होना था, लेकिन अचानक से आपका नाम सामने आ गया, तो आपके लिए कितनी अचरज वाली बात थी, और इसको लेकर के कहीं, चूंकि आपका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, आप पत्रकार रहे हैं, तो अब जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या मुश्किलें पेश आ रही? देखिए ये लोगों के ज्ञान की कमी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा। मेरे परिवार में बड़े भाई 1967 चुनाव लड़े, DIR मीसाम जेल गए, 10 साल से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी की सीधी राजनीति कर रहा हूँ। मैं बांदा चित्रकूट लोकसभा में प्रत्याशा की दौड़ में आगे रहा, 2014 में, 2019 में रहा, 5 साल से लगातार मैं कानपुर से प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। तो जो लोग जानकारी नहीं है, जिनको कि मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं सिर्फ पत्रकारिता है,
रूप में मुझे टिकट मिली है। ये पूरी गलतफहमी है लोगों को, पहले बैकग्राउंड मेरा देखें। मेरा पूरा बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का बैकग्राउंड है, और पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया है, और ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और आप देखते हैं तमाम हमारे पार्टी ने तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति बनाया है, टिकट दिया है, सांसद बनाया, मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री तक बनाया। तो मैं भी यहाँ प्रदेश कार्यसमिति में 5 साल से लगातार सदस्य हूँ, और साथ में 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर राजनीति कर रहा हूँ। उसके आधार पर पार्टी ने मुझे उचित समझा और मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आपसे सवाल यही है कि आप जिस तरह से यहाँ पर आए, अचानक से आपका नाम आया और चर्चा का विषय बन गया, तो ये चुनाव मोदी जी के नाम पर ही हो रहा है या कुछ रमेश अवस्थी का भी योगदान है बीजेपी की ओर से इस चुनाव में? देखिए ऐसा कि मैं यहाँ लगातार करीब 20 साल से सक्रिय हूँ राजनीति में, 5 साल से मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का महत्व समझते हैं, मैं यहाँ सदस्य हूँ लगातार, और 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीधी राजनीति हूँ। मैंने बताया बांदा लोकसभा सीट से मैं 2014 में भी दावेदारी कर रहा था, 2019 में भी कर रहा था, और पार्टी के लिए काम कर रहा था। आपके नाम पर भी वोट मिलेंगे या सारे वोट मोदी जी के नाम पर ही मिलेंगे? तो बता, पूरा शहर मोदी में है, हमारा काम है माननीय मोदी जी की नीतियों को, जो जन जन जनहित की नीतियाँ हैं उनको लोगों तक पहुँचाना। बात तो सब पूरी मोदी में, मोदी के नाम पे वोट रहा है, मैं तो मोदी जी के रूम में एक उनका दूत बन के आया हूँ। संजय सवाल आपसे करेंगे, आपके बड़ी चर्चा हुई जब आप आए थे, जब आप ट्रेन से उतरे थे लोग पहचान नहीं पाए थे, वो पहचान आपने अब बना ली है, अब सब बीजेपी वाले पहचान गए हैं आपको? देखिए ऐसा कि मीडिया रुकिए, मीडिया के लोग जब उनको जानकारी नहीं होती जिन लोगों को, तो वो छोटी छोटी न्यूज़ को ट्विस्ट करते हैं। जब उनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की जिस कार्यकर्ता, पहले तो हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता एक दूसरे का सम्मान करता है, आप भी अगर कोई हमारा कार्यकर्ता आएगा उसको सम्मान करते हैं। हाँ, दूसरा ये कि जिसकी बात आप कर रहे हैं बाबूराम निषाद, बाबूराम निषाद मेरे साथ यहाँ ट्रेन में आए थे, वो 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रभारी रहे हैं लोकसभा में, उनको जन जन जानता है, उनका एक समर्थक पम्मू सरदार, उनको उन्होंने माला पहना दी और वो पम्मू मुझे ही पहनाने के लिए आया था। लोगों ने कहते हैं रमेश अवस्थी, हजारों की भीड़ मुझे नहीं पहचानती, मैं 20 साल से रह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। अब मालाएं आपके ऊपर गिर रही हैं, मालाएं तब भी गिर रही थी, मालाएं अब भी गिर रही, मालाएं आगे आगे भी गिरेंगी, आप उसकी चिंता मत करिए। जो लोग इस गलतफहमी थे कि रमेश अवस्थी लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, जनता की राजनीति कर रहे हैं, तमाम प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के और जनहित के उन्होंने कहा है, भविष्य में भी कराते रहेंगे अभिषेक जी। तो अब जो लोग नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूं वो जब अपना ज्ञान बढ़ाएं मेरे बारे में कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मेरा क्या योगदान है, जनता हितों में मेरा क्या राजनीति, लगातार चाहे माननीय अटल जी का काव्यांजलि कार्यक्रम हो करीब 20 साल से मैं करा रहा हूं, चाहे वो जनता के तमाम ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए मैं सीधे सीधे जनता से मालूम रहता हूँ। तो पत्रकार के साथ साथ मैं जनहित के भी काम करता हूँ, समाज के भी काम करता हूँ, चाहे वो सनातन यात्रा हो, चाहे वो कोरोना कार्यकाल में हो, तो ठीक पत्रकार है मुझे गौरव है, लेकिन ये आपको बता दूं पत्रकारिता के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ, जिसके आधार पर पार्टी ने मुझे टिकट दिया।